वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 25 दिसंबर 2020 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम REC के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, REC में 2014 से लेकर 2016-17 तक एक स्विंग ट्रेडिंग का जो चार्ट पैटर्न्स वो बनता हुआ नजर आया, लेकिन अगर हम 2019 से देखें तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं एक हायर टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो गया है। और मैंने इस हाइस को और इस हाइस को कनेक्ट करके एक हायर टाइम फ्रेम पे मिस मंथली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इस मंथली चार्ट पे स्टॉक का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो इस मंथली डाउन ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता हुआ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर 77 और 79 के आसपास एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, जो कि हम देख पा रहे हैं अगर चार्ट को हम थोड़ा छोटा भी कर देते हैं तो 2013-14 में स्टॉक ने 76 के प्राइस के पास सपोर्ट लिया और उसके बाद एक रैली देखने को मिली। सेम वही सिनेरियो हमें 2016 में भी देखने को मिला, 2015 के एंड और 16 जून के मंथ में स्टॉक ने 78-79 से एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया 203 के। फिर से हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है अपने सपोर्ट प्राइस पे नहीं आया, लेकिन इस बार स्टॉक ने 90 के प्राइस से एक अपसाइड जर्नी करने की कोशिश की और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया ऑन अ मंथली चार्ट पे और स्टॉक अभी अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई के साथ में निगोशिएट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आफ्टर कोरोना करेक्शन के बाद भी देखेंगे तो स्टॉक ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी, 78 के प्राइस पे आया, लेकिन इस बार स्टॉक उतने हाई स्पीड से एक अपसाइड रैली हमें अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला, स्टॉक यही साइडवेज ट्रेड करता रहा। और लगभग आज के अगर इस मंथली जो इन द मेकिंग इन द प्रोसेस जो कैंडल है उसमें अगर देखेंगे तो 133 के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलेंगे हम वीकली चार्ट पे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये REC का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में भी सेम वही हमको सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मंथली चार्ट पे हमने देखा था 156 से लेकर तो 130 का एक मंथली सप्लाई है और वो मंथली सप्लाई में भी यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा डाउनसाइड रैली और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक फॉल हमें इस मंथली सप्लाई में आने के बाद देखने को मिला। अगर हम वॉल्यूम्स को यहाँ देखेंगे तो लगभग वॉल्यूम्स बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इस स्टॉक में अपसाइड रैली रिमेनिंग है। स्टॉक का जो प्राइस है वो अपसाइड जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस वीकली चार्ट को तो यहाँ पर जो ट्विजर टॉप का जो फॉर्मेशन हुआ है और ये फॉर्मेशन होने के बाद अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, आप देखेंगे मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और हम फोकस करेंगे इस वॉल्यूम्स की ओर जहां पर ये अभी पैटर्न्स बन रहा है। स्टॉक का प्राइस जब अपसाइड जा रहा तो हमने देखा यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, लेकिन इस वीकली कैंडल में अगर हम देखेंगे कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो इन्वेस्टर्स स्टॉक के प्राइस को होल्ड किए थे, जो वॉल्यूम से बहुत ही कम ट्रेड हुए, यानी अभी भी इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है स्टॉक को लेके। और जिस तरीके का यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक जिस तरीके से वीकली चार्ट पे हमें इंडिकेशन दे रहा है अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसी के साथ हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है कि ये जो 160 से लेकर तो लगभग 130 एक हायर टाइम फ्रेम का मींस मंथली सप्लाई है, तो इस सप्लाई में किस तरीके से ये स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है ये देखने के लिए हमें चलना होगा डेली चार्ट पे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके के प्राइस एक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये REC का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो चुका है और स्टॉक लगभग 126 के आसपास आया और यहाँ पर ये जो एक सपोर्ट प्राइस था यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके एक अपसाइड जर्नी करने की कोशिश कर रहा है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आता है 140 के पास
तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऑन अ इंट्राडे बेसिस पे। तो चलेंगे हम आवरली चार्ट पे और देखेंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कि आवरली चार्ट पे किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया जो कि 127 का प्राइस है, और सेकेंड आप देखेंगे इस आवरली चार्ट पे लगभग उसी प्राइस पे स्टॉक ने दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लिया 127 के। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं 127 पे ऑन इंट्राडे के लिए, और स्टॉक का प्राइस अगर जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एक सप्लाई है आवरली चार्ट पे, तो स्टॉक का प्राइस अगर घूम के इस सप्लाई में आता है तो 140 से लेकर हम इसे यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, 143 पे हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये प्राइस यहाँ पर आता है तो 140 से लेकर तो 143 पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो होगा 144 का। तो यहाँ पे लगभग 1 या 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में हम इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 138 का होगा और सेकेंड टारगेट 136 का। तो ये था REC का टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।